Hi, Bula. I'm CLI from Nandi. I love Gold FM, only the classic hits. Gold FM, only the classic hits. नमस्कार फीजी समाचार दर्शन के साथ मैं हूं कृतिका कुमार। फिजियन सरकार ने यूनिवर्सिटी ऑफ द साउथ पैसिफिक को दी जा रही ग्रांट को रोक दिया है। एफबीसी न्यूज ये कंफर्म करता है कि मिनिस्टर फॉर इकोनॉमी अय्याज सईद खियूम ने यूएसपी को लिखित में इस फैसले की जानकारी दी है। सईद खियूम का कहना है कि फिजियन सरकार लार्जेस्ट ग्रांट कॉन्ट्रीब्यूटर होने के नाते लगातार उठ रहे सवाल जैसे कि यूएसपी के डे टू डे गुड गवर्नेंस और प्रिंसिपल्स को लेकर चिंतित है। उनका कहना है कि सरकार यूएसपी के प्रो चांसलर और ऑडिट एंड रिस्क टीम के कमिटी द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर भी चिंतित है। यूएसपी को बताया गया है कि इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के पूरे होने तक यूनिवर्सिटी के ग्रांट को रोक दिया जाएगा। फिजी ने इस फाइनेंशियल ईयर में यूएसपी को 27.6 मिलियन डॉलर्स का ग्रांट दिया था। प्राइम मिनिस्टर वरेंगे बैनिमरामा ने फिजी पाइन ग्रुप के रेजिलियंस की सराहना की है जबकि देश पर कोविड-19 का असर पड़ रहा है। फिजी पाइन 2020 लीज सिक्योरिटी बोनस पेमेंट के दौरान बातें करते हुए बैनिमरामा ने कहा कि मार्केट चैलेंजेस के बावजूद फिजी पाइन ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपना काम जारी रखा था। बैनिमरामा ने कहा है कि 25,000 पाइन लैंड ओनर्स इंडस्ट्री पर निर्भर करते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बोर्ड और मैनेजमेंट टीम ने एक बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान को सेट किया था ताकि उन पर पेंडेमिक का ज्यादा असर न पड़े। बैनिमरामा ने आज लीज सिक्योरिटी बोनस पेमेंट के तौर पर $5 मिलियन हैंड ओवर किया है। देश में डूबने वाली घटनाओं में हुई वृद्धि की वजह से सुबह के 4 स्विमिंग क्लब्स और फिजी स्पोर्ट्स काउंसिल साथ मिलकर स्विमिंग पर अपने कैंपेन को और मजबूत कर रहे हैं। क्लब्स ने आज दामोदर एक्वेटिक सेंटर पर वाटर सेफ्टी फेयर को आयोजित किया था जिसमें कई लोगों ने भाग लिया। 100 से भी ज्यादा बच्चों ने इसमें भाग लिया ताकि वे वाटर सेफ्टी के बारे में जान सके और तैरना सीख सके। मंबाले स्विमिंग क्लब के हेड कोच जेनिफर लियू का कहना है कि हाल ही में डूबने वाली घटनाओं में हुए वृद्धि की वजह से ऐसा किया जा रहा है। पुलिस ने इस बात को कंफर्म किया है कि इस साल 35 लोगों की मृत्यु डूबने की वजह से हुई है जिसमें से 20 बच्चे थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। और खेलकूद के खबरों में बाव वेमेंस फुटबॉल साइट को अपना कोच इंटर डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप टाइटल को डिफेंड करने के लिए मेहनत करनी होगी। साइट को राइवल्स लम्बासा नांदी और ताइलेवु नैता सिरी के साथ पूल किया गया है। होस्ट सुवा को रेवा नंद्रोंगा और नसीनू के साथ पूल ए में ड्रॉ किया गया। नसीनू 6 सालों के बाद आईडीसी में वापसी कर रही है। फिलहाल विजेता को $4,000 और रनअप को $1,000 दिया जाएगा। और ये थे आज के मुख्य समाचार। इन खबरों के लिए आप रेडियो फिजी 2 और मिर्ची FM भी सुन सकते हैं। शुभ रात्रि। Bula FM number 2 NSR. Bula FM number 2 NSR.